स्वतःचं अपयश झाकण्यासाठी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून केवळ मतदारांना सरकार लाच देत असल्याचा गंभीर आरोप काँग्रेसनं केलाय. हे सरकार पुन्हा सत्तेत येणार नाही असा दावाही काँग्रेसनं केलाय. हर महिना 500 रुपये, अब सिर्फ 2000 रुपये देंगे इस साल. तो ये इलेक्शन में वो पैसे बांट रहे हैं कि किसानों को खुश करने के लिए. और वो हमने 6000 रुपये बनाए, लेकिन वास्तव में ये 3 महीने में तो 2000 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देंगे, 4000 तो बाद में देंगे. तो ये जो है ये सब चुनाव के लिए वो किए हैं. मैं डायरेक्टली उनको ये कहता कि ये एक रिश्वत उन्होंने वोटर्स को देने की कोशिश कर रहे हैं. किसानों के लिए एक साल में 6000 रुपये देना चाहते हैं आप, मतलब एक महीने में 500 रुपये, और इससे ये किसान बहुत खुशी से जिएंगे 500 रुपये से. ये किस दुनिया में रह रहा है हमारा हमारे मंत्री जी. मेरे ख्याल में बहुत चीज़ें हैं जो काफ़ी अंग्रेजी में कहेंगे डैम्प स्क्विब, जहां बहुत चीज़ें प्रतीक्षा की और कुछ नहीं मिला. इस गवर्नमेंट के फेलियर को कवर अप करने के लिए जनता के पैसे की लूट सरकार ने की है, और जिसका सीधा सीधा फायदा पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए किया जा रहा है. तो ये तो सरकार आने वाली नहीं है, और इसीलिए ये पॉपुलिस्ट बजट देकर इससे मैक्सिमम फायदा उठाने का प्रयास है.